स्काई ड्राइविंग को लेकर धर्मस्व मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि उज्जैन के दताना एयर स्ट्रिप पर स्काई ड्राइविंग फेस्टिवल 2024-25 का आयोजन होगा। इसके पहले 17 दिन स्काई ड्राइविंग के कार्यक्रम हो चुके हैं। उज्जैन में 3 महीने स्काई ड्राइविंग चलेगा, जिसमें 1000 प्रतिभागी भाग लेंगे। स्काई ड्राइविंग टीम को बधाई। मंत्री लोधी ने कहा, 9 नवंबर से 9 फरवरी तक स्काई ड्राइविंग चलेगा। स्काई ड्राइविंग सुरक्षित और मानक पर आधारित है। मंत्री लोधी ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव का पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए आभार जताया। ऐसे तो 4 बार अपन पहले कर चुके हैं, 3 बार, जिसमें भोपाल में भी हुआ 7 दिन का, और उज्जैन में दूसरी बार 10 दिन का हुआ, और फिर उज्जैन और खजुराहो मिला के कुल 17 दिन ये स्काई डाइविंग के कार्यक्रम इसके पहले हो चुके हैं। लेकिन इस बार यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की मंशा के अनुरूप ये जो स्काई डाइविंग का कार्यक्रम है ये 3 महीने चलेगा, मतलब 9 नवंबर से 9 फरवरी, यही है ना, 9 नवंबर से 9 फरवरी, 3 माह ये स्काई डाइविंग का कार्यक्रम उज्जैन में संपन्न होगा, और जिसमें लगभग 1000 प्रतिभागी भाग लेने की संभावना है। तो एडवेंचर टूरिज्म के क्षेत्र में मध्य प्रदेश आगे बढ़े, इसके लिए सरकार निरंतर प्रयत्नरत है और इसके लिए निरंतर काम किए जा रहे हैं। और स्काई डाइविंग की जो टीम है उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और सुरक्षा के मानकों पर भी ये टीम पूरी तरह से खरा उतरती है। बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि स्काई डाइविंग का जो एडवेंचर टूरिज्म के अंतर्गत उज्जैन में 3 महीने का ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, जो 9 नवंबर से लेके 9 फरवरी तक ये आयोजित होगा, और इसमें लगभग 1000 ऐसा लक्ष्य रखा है कि 1000 स्काई डाइविंग का लक्ष्य भी रखा गया है। तो ये अच्छी पहल है, और उज्जैन को इसलिए चुना गया कि उज्जैन में सबसे ज़्यादा फुटफॉल है, पूरे देश और विश्व के लोग उज्जैन में महाकाल बाबा के दर्शन करने आते हैं। तो मुझे लगता है कि स्काई डाइविंग का ये जो फेस्टिवल अपन 3 महीने के लिए मना रहे हैं, ये अपने आप में बहुत सफल होगा, और आने वाले समय में इसकी सफलता के बाद प्रदेश में और भी स्थानों पर जैसे 4-5 एक चौथा स्काई डाइविंग का कार्यक्रम है, तो इसको और भी आगे प्रोत्साहित करने का काम सरकार